हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका उस चैनल में जहां मैं शुभांगनी देती हूं आपको बॉलीवुड से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों की गाड़ी। सलमान खान की फिल्म टाइगर पार्ट 3 में नजर आएंगे शाहरुख खान। जी हां, ताज़ा खबर की माने तो जहां सलमान शाहरुख की फिल्म पठान में अपने टाइगर वाले किरदार में नजर आएंगे, ठीक वैसे ही अब खबरें हैं कि सलमान की फिल्म टाइगर पार्ट 3 में शाहरुख पठान के किरदार को पोर्ट्रे करते दिखेंगे। आपको बता दें कि सलमान की फिल्म टाइगर पार्ट 3 के लिए फरवरी 2021 में कटरीना के साथ सलमान खान यशराज प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो 2022 की ईद में टाइगर फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म रिलीज कर दी जाएगी। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने भाई दूज के दिन शेयर किया इमोशनल वीडियो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 5 महीने बीत चुके हैं और सुशांत के निधन के बाद बीते दिन उनकी बहनों की पहली भैया दूज सुनी रही। बीती रात सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने एक बेहद इमोशनल वीडियो शेयर कर उनके चाहने वाले करोड़ों फैंस का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ ही एक बेहद इमोशनल वीडियो भी शेयर किया। सुशांत सिंह के चाहने वाले करोड़ों लोगों ने इस बार दिवाली सुशांत की बहन की अपील ये दिवाली सुशांत वाली की तर्ज पर सेलिब्रेट की थी और अब सुशांत की बहन की ओर से जारी किया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने दिया बड़ा बयान, कहा नहीं चाहता बेटा इंडिया में बने सिंगर। सोनू निगम अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और एक बार फिर उनके बयान ने लोगों को चौंका दिया है। हाल ही में सोनू ने ईश्वर का वो सच्चा बंदा सॉन्ग रिलीज किया और इस गाने के प्रमोशन के दौरान सोनू ने कहा कि वो नहीं चाहते कि उनका बेटा सिंगर बने। दरअसल सोनू से एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या उनका बेटा भी सिंगर बनना चाहता है, जिस पर सोनू कहते हैं सच कहूं तो मैं नहीं चाहता कि वो सिंगर बने, कम से कम इस देश में नहीं। वैसे वो अब भारत में नहीं रहता है, वो दुबई में रहता है, उसे पहले ही भारत से बाहर भेज दिया गया। सोनू ने इस बातचीत में कहा फिलहाल मेरा बेटा यूएई का टॉप गेमर है, एक गेम फोर्टनाइट है और वो उसका टॉप गेमर है। वो बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है जिसमें कई खूबियां हैं, मैं उसे किसी और में मोल्ड नहीं करना चाहता, देखते हैं कि वो खुद क्या चुनता है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद बने पंजाब के स्टेट आइकन। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को इलेक्शन कमीशन ने पंजाब का स्टेट आइकन अपॉइंट किया है। आपको बता दें कि अब सोनू पंजाब में चुनाव संबंधी जागरूकता फैलाते नजर आएंगे। इस सिलसिले में चुनाव आयोग ने सोमवार को एक पत्र जारी भी किया है। हालांकि इस पर सोनू सूद ने रिएक्शन भी दिया है। उन्होंने कहा मैं इस सम्मान के लिए खुद को खुशकिस्मत मानता हूं, सभी का शुक्रिया। पंजाब में जन्म लेना मेरे लिए इमोशनली ये बहुत मायने रखता है। मुझे खुशी है कि मेरा राज्य मुझ पर गर्व महसूस करता है, आगे अच्छा कार्य करने के लिए मैं प्रेरित हुआ हूं। डायरेक्टर राम आडवाणी की फिल्म में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का किरदार निभाते नजर आएंगे एक्टर कार्तिक आर्यन। जी हां, कार्तिक आर्यन ने डायरेक्टर राम आडवाणी की अपकमिंग फिल्म शुरू करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राम आडवाणी की फिल्म इसी साल दिसंबर के महीने से शुरू हो जाएगी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का किरदार निभाते दिखेंगे। फिल्म से जुड़े सोर्सेस ने बताया है इस फिल्म की कहानी एक मीडिया ऑफिस के आसपास घूमती दिखाई देगी। फिल्म में केवल 5-6 किरदार हैं। ये बहुत ही लो बजट फिल्म है। कार्तिक आर्यन ने इस फिल्म का ऑफर स्वीकार इसलिए किया है क्योंकि वो राम आडवाणी के साथ काम करना चाहते थे। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर से हल्की फुल्की कॉमेडी करने वाले हीरो का ठप्पा हट जाए, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। छेड़छाड़ के आरोपों के चलते अपनी अपकमिंग फिल्म से बाहर हुए एक्टर विजय राज। आपको बता दें कि एक्टर विजय राज इन दिनों खूब कॉन्ट्रोवर्सीज में हैं। उन पर फिल्म शेरनी की शूटिंग के दौरान एक असिस्टेंट डायरेक्टर को छेड़ने का आरोप है। शेरनी की शूटिंग मध्य प्रदेश के बालाघाट में हो रही थी और अब ताजा खबरों की माने तो विजय राज को इस फिल्म से बाहर कर दिया गया है। इस बारे में बात करते हुए विजय राज ने अपने बयान में कहा है मुझे गहरा धक्का लगा है, ये असीम पीड़ा है। अपनी आंखों के सामने अपने पिता, बेटी, परिवार, इज्जत, मुकाम और खुद को रोज रोज हर पल चुपचाप मरते हुए देखते रहना दुखदाई है। बड़ी हो गई है सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान वाली मुन्नी सोशल मीडिया पर वायरल हुई पिक्चर्स। सलमान की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल निभाने वाली छोटी बच्ची हर्षाली मल्होत्रा अब काफी बड़ी हो गई हैं। हर्षाली ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ हालिया पिक्चर शेयर की हैं जो रातों रात इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं और लोग ताज्जुब कर रहे हैं कि मुन्नी इतनी बड़ी हो गई हैं। आपको बता दें कि हर्षाली ने दिवाली के मौके पर अपनी पिक्चर शेयर करते हुए फैंस को शुभकामनाएं दी थी और फैंस ने भी हर्षाली की इन लेटेस्ट पिक्चरों को देखकर अपने मजेदार रिएक्शन शेयर किए। शर्टलेस होकर घोड़े पर बैठे दिखे सलमान खान, फिटनेस देख लट्टू हुए फैंस।
सलमान खान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव तो नहीं, लेकिन जो भी शेयर करते हैं उससे लेकर सुर्खियों में छाए रहते हैं। और इस बार उन्होंने एक बार फिर से अपना माचो अवतार दिखाया है, जिसमें वो घोड़े पर बैठे नजर आ रहे हैं। हालांकि सलमान ने अपनी ये पिक्चर अपने ब्रांड बीइंग ह्यूमन के प्रमोशन के लिए शेयर की है। मजेदार ये है कि अपने ब्रांड के विंटर कलेक्शन की बात करते हुए सलमान ने अपनी शर्टलेस पिक्चर शेयर की है। सलमान के फार्म हाउस वाली इस पिक्चर में उनकी फिट बॉडी को देख फैंस उन पर फिदा हुए जा रहे हैं। फैंस कह रहे हैं कि 54 साल की उम्र में ऐसी फिटनेस देखकर यकीन करना मुश्किल है। भाई के रिसेप्शन पर हिमाचली लोकगीत पर जमकर नाचे एक्ट्रेस कंगना रनौत। नवंबर का महीना कंगना रनौत के लिए जश्न और खुशियों से भरा बीत रहा है। हाल ही में उनके भाई और कजन की शादी हुई है, जिसके बाद से सेलिब्रेशन का दौर लगातार चल रहा है। और रविवार को कंगना के घर अक्षत और ऋतु की शादी का रिसेप्शन रखा गया, जिसमें कंगना ने हिमाचली लोकगीतों पर जमकर डांस किया। इसी रिसेप्शन में उनकी ड्रेस भी काफी चर्चा में रही। भाई अक्षत के धाम के दौरान पहाड़ी कलाकार कांगड़ी सॉन्ग गा रहे हैं, कोई जम्मू शहर बल जायो मेरी मानू चुनरी लायो। इस लोकगीत पर कंगना, उनकी भाभी ऋतु और बाकी घर वाले जमकर नाचते दिखाई दे रहे हैं। कंगना ने वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे हर ट्रेडिशन का फोक म्यूजिक पसंद है, ये कांगड़ी लोकगीत है, जिसका मतलब साफ है, एक महिला अपनी माँ के लिए अपने प्यार का इजहार कर रही है। साउथ और बॉलीवुड एक्टर धनुष के सॉन्ग राउडी बेबी ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड्स, यूट्यूब पर मचा तहलका। साउथ और बॉलीवुड स्टार धनुष की फिल्म मारी 2 बीते साल रिलीज हुई थी। ये फिल्म तो सुपरहिट थी ही, साथ ही फिल्म के गाने राउडी बेबी ने भी खूब धमाल मचाया था। ये गाना अभी तक लोगों की जुबान से उतरा नहीं है, यही वजह है कि आज भी ये गाना यूट्यूब पर धूम मचाए हुआ है। और हाल ही में इस गाने ने यूट्यूब पर 1 अरब व्यूज हासिल कर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। साउथ इंडस्ट्री में ये मुकाम हासिल करने वाला ये पहला गाना बना है। और इस बात की खुशी जताते हुए सुपरस्टार धनुष ने भी ये खबर शेयर करते हुए फैंस का आभार व्यक्त किया। धनुष ने ट्वीट करते हुए लिखा, What a sweet coincidence, this is Rowdy Baby hits 1 billion views on the same day of the 9th anniversary of Kolavari D. We are honored that this is the first South Indian song to reach 1 billion views. Our whole team thanks you from the heart. बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।